डियर स्टूडेंट, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। लाइटनिंग अरेस्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सर हमारा ये प्रोटेक्ट करेगा लाइटनिंग से। हमारा लाइटनिंग अरेस्टर जो है कैसे प्रोटेक्ट करेगा लाइटनिंग से हमारे सबस्टेशन को या हमारे इक्विपमेंट्स को। ठीक है, चलो हम लोग इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें जो है इसका काम क्या है। इसका काम यही कि सर लाइटनिंग जब होगा तब उससे प्रोटेक्शन देगा ये इक्विपमेंट्स को। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा। ये हमारा नॉर्मली जो है ना स्विच गियर का यूनिट है। हम लोग पिछले दिन लिखे भी थे कि सर कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ सकते हैं, वो चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर में हमारा सबसे पहला पॉइंट, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिंग द सबस्टेशन इक्विपमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल लाइटनिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग सबस्टेशन को प्रोटेक्ट करेंगे किससे सर? एक्सटर्नल लाइटनिंग से। किसके द्वारा सर? लाइटनिंग अरेस्टर के द्वारा। चलो, ये पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब बात ये होती है कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखो, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इसी में एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइटनिंग अरेस्टर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ एंड्स ऑफ सबस्टेशन। सबस्टेशन के बोथ एंड्स पे ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ट्विस्ट लिखा हुआ है कि सर लाइटनिंग अरेस्टर आर प्रोवाइड बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांसफार्मर फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रांसफार्मर फ्रॉम लाइटनिंग अकर्स इनसाइड द सबस्टेशन। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में लाइटनिंग अरेस्टर को लगा देते हैं। ये क्या करेगा सर? ये लाइटनिंग प्रोटेक्ट करेगा किसको? ट्रांसफार्मर को। अब सर ये कैसे हो सकता है? ये बार बार आप जो बोल रहे हो कैसे हो सकता है? देखो, ये हमारा पैरेलली कनेक्टेड रहता है, अर्थिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज पे क्या रहेगा सर? ये मान लो ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है। नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर क्या रहेगा सर? ये नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर ये हाई रेजिस्टेंस पाथ देगा, हाई रेजिस्टेंस पाथ देगा, यानी कि कोई भी करंट नहीं आएगा। जैसे लाइटनिंग होगा ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा, ये हो जाएगा लो रेजिस्टेंस पाथ, यानी कि सारे लाइटनिंग सारे वेव को ये पास करा देगा अर्थ से, सारे वेव को पास करा देगा ये अर्थ से। ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखो आगे लिखा हुआ है, आपको मिलेगा कैसे होता है ये देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है सर कि लाइटनिंग अरेस्टर आर मेड्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ये भी सवाल एग्जाम में कभी कभी ले जाते हैं कि सर बनता है क्या चीज से। तो लिखा हुआ है कि लाइटनिंग अरेस्टर्स आर मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया सर कि ये हमारा मेटल ऑक्साइड से बनता है। दूसरी चीज लिखा हुआ है कि जिंक कार्बाइड्स। तो यानी कि आप लिख सकते हो कि सर लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो मेटल ऑक्साइड और जिंक कार्बाइड से मिलके बना हुआ रहता है, मेटल ऑक्साइड और जिंक कार्बाइड से। ठीक है, आपको दो पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि सर हमारा लाइटनिंग अरेस्टर जो बनता है वो मेटल ऑक्साइड और जिंक कार्बाइड से मिलकर बनता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आपके सेमेस्टर के ही पेपर में पूछ लिया जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता होगा तो। ठीक है, पूछा ही जाता ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलो इसमें लिखा हुआ कि सर ये नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है। लिनियर नहीं है कि डायरेक्टली वोल्टेज और करंट में लिनियर आ गया, नहीं सर ये नॉन लिनियर है। ये हमारा बिहेवियर चेंज करता रहेगा सर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। जैसे लाइटनिंग होगा वोल्टेज का लेवल बढ़ जाएगा, वोल्टेज का लेवल जैसे बढ़ जाएगा मेटल ऑक्साइड अपना प्रॉपर्टी चेंज करके कैसा बन जाएगा सर? लो रेजिस्टेंस पाथ, यानी कि सारे वेव को पास करा देगा। ठीक है, कोई डिवाइस आपका कोई भी खराब नहीं होगा, डिवाइस आपका कोई भी खराब नहीं होगा सर। तो वही लिखा हुआ कि ये हमारा नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। उसके बाद से क्या लिखा हुआ कि इट्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस फॉर नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज। नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज में तो खड़ा है सर, दीवार की तरह, भाई आ जाओ मैं सपोर्ट में हूँ। लेकिन जैसे थंडरिंग होगा, लाइटनिंग होगा, हमारा क्या करेगा सर? लोअर रेजिस्टेंस फॉर लाइटनिंग वोल्टेज सो डैट लाइटनिंग इज डाइवर्टेड टू अर्थ। बोला कि सर आपको तो और कहीं नहीं जाने देंगे, आप आ जाओ इस रास्ते से। कहाँ चले, समझ रहे हो? यानी देखो कितना अच्छा चीज है, ये भी एक प्रोटेक्टिंग यूनिट ही है, ये हमारा स्विच गियर का पार्ट है बोल सकते हो। चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। लाइटनिंग अरेस्टर भी हो गया हमारा, आइसोलेटर्स भी हो गए, फ्यूज भी हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर और फिर हम लोग रिले पे आएंगे। क्लियर है? तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सर्किट ब्रेकर है, फिर हम लोग आएंगे रिले के ऊपर। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे कि सर्किट ब्रेकर सर क्या होता है। देखो, नाम से ही हम लोग क्लियर हो पा रहे हैं कि सर ब्रेकर का काम, सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? ब्रेक करना, यानी कि सर्किट को ब्रेक करना। ब्रेक करना में क्लोज पाथ बन रहा है या हमारा जो कंडक्शन पाथ है उसको अलग हो जाएगा, फिर हमारा ऑफ हो जाएगा। बेसिक मीनिंग है ये। अब देखेंगे सर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि सर्किट ब्रेकर इज मैकेनिकल डिवाइस विच इज डिजाइन टू क्लोज और ओपन द कॉन्टैक्ट मेंबर सो डैट देयर विल बी क्लोजिंग और ओपनिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट अंडर नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन। या कंडीशन हमारे फेवर में हो, नॉर्मल कंडीशन में भी चाहो तो आप सर्किट ब्रेकर का यूज करके ऑफ करा सकते हो। ठीक है, या फिर एबनॉर्मल कंडीशन फॉल्ट बन रहा है तो वो खुद से ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। आजकल देखते हो ना, हमारे घर में
हमारे घर में क्या होता है, जैसे कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे कहीं पे प्रॉब्लम होता है, ऑटोमेटिक हमारा एमसीबी गिर जाता है, हमारा ऑटोमेटिक एमसीबी गिर जाता है, ये बोल सकते हो ना आप, कि आप उसको तो बंद करने नहीं के, पहले हमारा क्या होता था, मैनुअली किया जाता था, दौड़ दौड़े के बंद किया। अभी क्या होता है कि खुद से वो सेंस कर लेता है और एबनॉर्मल कंडीशन होने पे वो ऑफ हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक है और हमारा जो है ना मैनुअल भी है, दोनों है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ब्रेक करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर मेकिंग या ब्रेकिंग, ठीक है। चलो, यानी कि हमारा सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम क्या है कि सर क्लोज कॉन्टैक्ट मेंबर, देखो यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बस वेट कर लो। देखो आगे लिखा हुआ है कि सर हमारा जो है सर्किट ब्रेकर मे बी मैनुअल और ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस, मैनुअल भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है, आपके ऊपर है मैनुअल रखना चाहते हो या ऑटोमेटिक रखना चाहते हो। जनरली आजकल मैक्सिमम जो है ऑटोमेटिक ही यूज हो रहा है, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि सर एन ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर कैरियर्स द सॉरी कैरियर द फुल लोड करंट कंटिन्यूअसली विदाउट ओवरहीटिंग और डैमेज, कैरी होना चाहिए यहाँ पे, कैरीज द फुल लोड करंट कंटिन्यूअसली विदाउट ओवरहीटिंग और डैमेज। ये नॉर्मली हमारा सर्किट ब्रेकर क्या करेगा सर, करंट को कैरी करेगा बिना डैमेज के, बिना कोई प्रॉब्लम के, फुल लोड करंट को, ठीक है। उसके बाद लिखा ओपन और क्लोज द सर्किट एट नो लोड कंडीशन, ठीक है, नो लोड कंडीशन पे भी ये काम कर सकता है, कोई दिक्कत इसको नहीं है। यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखा हुआ सर्किट ब्रेकर के, नाउ सर्किट ब्रेकर इज डिफाइंड एज द करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। देखो पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपके सेमेस्टर में पूछा गया कि सर्किट ब्रेकर क्या है सर, तो लिखोगे करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है ये, ठीक है। क्या है सर, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है विच वर्क्स अंडर ऑल कंडीशंस सच एज नो लोड, फुल लोड, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। लिख सकते हो क्या लिख सकते हो सर, कि नाउ सर्किट ब्रेकर डिफाइंड एज करंट इंटरप्टिंग डिवाइस विच वर्क अंडर ऑल कंडीशन सच एज नो लोड, फुल लोड, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है, इसको लिख सकते हो। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक हमारा पास डायग्राम है। देखो सर हमारा बस बार है, यहाँ बस कनेक्टेड है, हमारा एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। हमारा ये क्या है सर, सिटी का सेकेंडरी है ये हमारा, सॉरी सिटी का हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, क्लियर है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा ये पाथ क्लोज रहेगा तभी तो क्या होगा सर, सप्लाई जाता रहेगा। जैसे अब नॉर्मल कंडीशन आएगा ये प्लंजर जो है ना ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ब्रेक ओपन हो जाएगा, हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। दो कॉन्टैक्ट होता है, फिक्स और मूवेबल, ठीक है। तब ये कैसे होता है सर, देखो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो है ना सिटी को पता चलेगा कि सर एबनॉर्मल कंडीशन बन गया, करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, क्या करेगा सर यहाँ पे प्लंजर ये डाउन होकर कॉन्टैक्ट ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज पाथ बनेगा हमारा क्या होगा सर, यहाँ पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि फ्लक्स की वजह से। तो ये क्या करेगा सर, इसको जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट ओपन। उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस एक ओवरऑल आइडिया लेना है कि कैसे सर वर्क करता है, मतलब मैनुअली अगर सोचोगे तब, ठीक है। आजकल तो ऑटोमेटिक ही आता है कि जैसे वो एबनॉर्मल कंडीशन बनेगा तो वो खुद से वो क्लोज कर देगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया सर्किट ब्रेकर के बारे में, एकदम बेसिक चीजें पढ़ना है। अब बात निकल गई थी कि सर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पढ़ना है क्या, नहीं सर उसको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखो पावर सिस्टम पूरा नहीं पढ़ना है, एकदम छोटा छोटा पार्ट्स जो है ना पढ़ना है। अब हम लोग को दो चीज और पढ़ना है, यहाँ पे एमसीबी और एमसीसीबी और ईएलसीबी सर पढ़ना है, तीन टॉपिक आपको पढ़ना है सर्किट ब्रेकर में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा सर्किट ब्रेकर में और हम लोग एक दो पॉइंट्स पढ़ के फिर हम लोग आगे एमसीबी की तरफ मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर का ही एक पार्ट है एमसीबी के बारे में, ठीक है। देखो इसका कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हम लोग, बस इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कशन कर लेते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पढ़ना है एमसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी, तीन टाइप हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ की बहुत डिटेल में नहीं जाना, अभी तक एग्जाम में जो है ना बहुत कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, बस ये लिख दोगे तो आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले जो है ना एमसीबी का हमारा फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि लिखा हुआ आपको यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं एक करके पॉइंट इसके बारे में, जो भी यहाँ पे पॉइंट बोर्ड के ऊपर लिखा गया है ये आपके लिए एग्जाम के लिए इनफ है, इसको ही लिख करके आओगे। चलो हम लोग देखते हैं सर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एमसीबी आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच प्रोवाइड ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ये भी हमारा ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट सर्व द पर्पज ऑफ फ्यूज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। हम लोग जस्ट बोल सकते हैं कि ये हमारा जस्ट एक फ्यूज का भी काम करता है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के समय में, यानी कि ये हमारा सर क्या कर सकता है, ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन से भी ये प्रोटेक्ट करेगा,
और अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करोगे तो जस्ट लाइक एक फ्यूज भी है, काम करता है हमारा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया सर, मिनीचर सर्किट ब्रेकर का। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एमसीबी ऑपरेट्स और डिसकनेक्ट्स द सर्किट इफ द सर्किट करंट रिच अप टू प्री डिटरमाइंड वैल्यू और अबव। होता है क्या कि सर कुछ ना कुछ रेटिंग के बाद ही हमारा सर्किट ब्रेकर जो है ना वो डिफाइन होता है या फिर उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उस रेटिंग को जैसे पार करेगा हमारा क्या करेगा सर, सर्किट ब्रेकर जो है वो डिसकनेक्ट कर देगा हमारे सर्किट्स को, ठीक है। अगर प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो क्या करेगा सर, उसको डिसकनेक्ट कर देगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑपरेट कर जाएगा, एमसीबी ऑपरेट्स और डिसकनेक्ट द सर्किट इफ द सर्किट करंट्स रिच अप टू प्री डिटरमाइंड वैल्यू और अबव, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, यानी कि कुछ वैल्यू है उसके बाद से हमारा, मान लो कोई भी वैल्यू है, मान लो 5 एम्पियर लिखा हो, 5 एम्पियर से जैसे ज्यादा होगा हमारा क्या करेगा सर्किट ब्रेकर, ऑपरेट कर जाएगा, यानी कि वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। क्लियर है? वजह क्या है हमारा, क्योंकि डिजाइन ही वैसे रहता है। फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज का भी रेटिंग होता है ना सर कि इतने करंट के बाद से वो क्या होगा हमारा जो है ना फ्यूज काम नहीं करेगा, फ्यूज जल जाएगा, यही होता था ना हमारा, वैसे ही होता है ये एमसीबी भी। उसके बाद से लिखा हुआ है कि एमसीबी आइदर मैनुअल ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक ऑपरेटेड। ये हमारा मैनुअली भी ऑपरेट करा सकते हो, ऑटोमेटिक भी करा सकते हो। जनरली आजकल जो यूज में होता है वो ऑटोमेटिक ही होता है, मैनुअली हमारा आजकल यूज नहीं होता है। घर में भी आपके जो यूज में आता है सारे तो ऑटोमेटिक ही होते हैं, मैनुअली हमारे आजकल यूज नहीं हो रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे सर्किट एमसीबी के बारे में जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलो चौथा पॉइंट देखो लिखा हुआ है कि हमारा सर ये रेटेड वैल्यू के साथ साथ रेटेड वैल्यू से 5% से लेकर 15% तक वैल्यू तक भी ये अपना ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। वैसा नहीं कि सर पाँच मतलब जो हमारा रेटेड वैल्यू जो दिया हुआ है उसके ऊपर ही ऑपरेट कर जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ये 5% से लेकर 15% रेटेड वैल्यू तक भी ये ऑपरेट कर सकता है। तो वही चीज़ हमारा लिखा हुआ इस पॉइंट में कि सर हमारा जो होगा एमसीबी प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन फॉर रेटेड लोड 5 to 15% ग्रेटर देन देयर रेटेड लोड एंड रेटेड करंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एमसीबी आर टाइम डिले ट्रिपिंग डिवाइस टू विच द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवर करंट कंट्रोल्स द ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है। हमारा जो करंट का वैल्यू होगा वो ऑपरेटिंग टाइम को क्या करेगा सर, कंट्रोल करेगा, ठीक है। हमारा टाइम डिले ट्रिपिंग डिवाइस भी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर टाइम डिले ट्रिपिंग डिवाइस। उसके बाद लिखा हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ यहाँ पे कि डेट इज डे गेट ऑपरेटेड वेन एवर ओवरलोड एग्जिस्ट लॉन्ग एनफ टू क्रिएट डेंजर और फॉल्ट टू द सर्किट बींग प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये खुद से भी हमारा जो है ना ऑपरेट कर जाएगा, मतलब जैसे कि आपका ओवरलोड या ओवरलोड या फिर हमारा जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए हमारा जो है सर्किट में है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, तब भी ये ऑपरेट कर जाएगा, इसको जो है ना क्या करेगा सर, ये सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये सर डिले टाइम ट्रिपिंग डिवाइस है। क्लियर है? ये खुद से भी ट्रिप कर सकता है, यानी कि टाइम को कम कर सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, अगर ज़्यादा टाइम तक ओवर करंट हमारा रहेगा तो क्या करेगा सर, वो हमारा ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है, ओवरलोड बोलो या ओवर करंट बोलो। उसके बाद से लिखा हुआ है एमसीबी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रांजिएंट लोड सच एज स्विचिंग सर्ज एंड स्टार्टिंग करंट। ट्रांजिएंट लोड और स्टार्टिंग करंट के ऊपर ये ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि सर वो तुरंत हमारा पिक पे वैल्यू गया तो वो ऑपरेट कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा कि एक टाइम तक जो है ना रहेगा, एक टाइम तक करंट रहेगा तभी वो ऑपरेट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुरंत मतलब बस एक सेकंड के लिए वैल्यू जो है ना 5 एम्पीयर रेटेड है उससे ज़्यादा बढ़ गया, 5 एम्पीयर से ज़्यादा बढ़ गया तुरंत के लिए तो नहीं ऑपरेट करेगा। एक टाइम तक अगर वो रह गया तो उसको लगेगा सर्किट को कि नहीं सर मेरे को ऑपरेट करना चाहिए, वो ऑपरेट कर जाएगा, एमसीबी हमारा खुद से ऑपरेट कर जाएगा। क्लियर है? यानी कि हमारा यहाँ पे बोल सकते हो कि हमारा जो है वैसा नहीं है कि सर रेटेड वैल्यू के बाद ही ऑपरेट कर जाएगा, वो दूसरा प्रिंसिपल के भी ऊपर वर्क करेगा, यानी कि अगर वो लॉन्ग टाइम तक रह गया ओवरलोड तभी वो हमारा ऑपरेट कर जाएगा सर, ठीक है। ये हमारा चौथा पॉइंट था। अब देखो पांचवा पॉइंट देखो, एमसीबी आर डिजाइन टू ऑपरेट एट लेस देन 2.5 मिलीसेकंड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट, ठीक है। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बनेगा या फिर फॉल्ट का कंडीशन बनेगा तो वो बहुत कम समय के लिए ऑपरेट कर बहुत कम समय में ऑपरेट कर जाएगा। लेकिन वही हमारा नॉर्मल ओवरलोड का केस बनेगा तो ओवरलोड में तो ऐसा नहीं है ना कि सर ओवरलोड की वजह से अगर वैल्यू बढ़ा है तो वहां पे ऑपरेट नहीं करेगा, वहां पे ऑपरेट नहीं करेगा। नॉर्मल फ्यूज क्या होगा सर, जल जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा, ये कुछ टाइम तो होल्ड करके रखेगा, जैसे लगेगा कि नहीं सर अब हमारे सर्किट के लिए अब ये डेंजर हो रहा है तभी क्या करेगा, ऑपरेट कर जाएगा सर, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि सर हमारा नॉर्मल फॉल्ट के कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में तो ऑपरेट करना भी चाहिए, जब फॉल्ट हो ही गया है शॉर्ट सर्किट कंडीशन बनी गया तब तो उसको ऑपरेट करना ही है, लेकिन अगर नॉर्मली जो है ना ओवरलोड है तो उस केस में ये ऑपरेट नहीं करेगा। यही हमारा नॉर्मल इसको बोल सकते हो फ्यूज और एमसीबी में
इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आगे हम लोग पढ़ लेंगे दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो जनरली एग्जाम में भी एक ही सवाल पूछा गया अभी तक कि सर फ्यूज क्या होता है और उसके बाद से पूछा गया सर्किट ब्रेकर क्या होता है, बस दो पॉइंट पूछा गया है। और एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो हमारा करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है, बात खत्म। समझ रहे हो ना, एकदम छोटा सा पॉइंट है ये। तो ये सारे पॉइंट सबको ध्यान में रखने हैं जो कि एमसीबी के बारे में है। इससे ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ना है तो फिर अब जो है ना पढ़ते रह जाओगे, पूरा पावर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बस एक छोटा सा यूनिट है ये पावर सिस्टम का, तो हम लोग कोशिश करें कि जितने टॉपिक्स दिए हैं ना सबको कवर कर लें, ठीक है। चलिए ये भी चार पॉइंट आप लोग ध्यान में रखोगे एमसीबी का जो है ना, ये एडवांटेज के रूप में आप याद रख लोगे, इसमें कुछ है नहीं। लिख लोगे कि इससे डाइलेक्ट्रिकेशन ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन जो है ना वो हमारा लो होता है, थर्मल कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन हमारा लो होता है। उसके बाद हमारा इजिली इसको हैंडल करना आसान होता है, इजिली हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है सर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमसीसीबी के बारे में। एमसीबी पढ़ लिए, पहले क्या पढ़े सर, एमसीबी, अब पढ़ेंगे हम लोग एमसीसीबी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सर। चारों पॉइंट में क्या है सर, इट हैव हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट हैव हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट याद रखना कि इट इज मोर रेलेबल एंड इजी टू हैंडल देन द फ्यूज, ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखना कि इट हैव लो कोफिशियंट ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एमसीसीबी, ठीक है। एमसीबी हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अभी हम लोग जो है ना कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, हमारा वर्किंग नहीं पढ़े, वो सब जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जो पॉइंट लिखाया जा रहा है इतना ही पढ़ के जाओ, कोई फायदा नहीं ज्यादा पढ़ के, क्योंकि बहुत सारे मतलब अप्रोक्स मतलब एक दो नंबर का सवाल पूछा जाता है इस मतलब टॉपिक से, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। और एक मतलब टॉपिक का आइडिया तो लग ही गया कि सर टॉपिक का हमारा मतलब एम क्या है पढ़ने का, क्यों पढ़ रहे हैं, सब चीज़ तो समझ में आ ही गया। लेकिन अगर डीप में जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, और ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं कि पढ़ के कोई फायदा है, ठीक है। अगर ज़्यादा सवाल पूछे जाते तो आप लोग पढ़ते। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एमसीसीबी को। अभी हम लोग पढ़ेंगे एमसीसीबी के बारे में, यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हमारा टॉपिक जो है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीसीबी, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिक डिफरेंस पढ़ लेंगे एमसीबी और एमसीसीबी का, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ हम लोग को एनालिसिस करने का नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सर एमसीबी जो हमारा यूज होगा वो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए यूज होगा, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे एमसीसीबी यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। किस किस टाइप का सिस्टम सर, लो वोल्टेज सिस्टम और मीडियम वोल्टेज सिस्टम के लिए हमारा यूज होगा। कौन सर, एमसीसीबी, ठीक है। एमसीसीबी हमारा लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज सिस्टम के लिए यूज होगा, सबसे पहला पॉइंट यही हो गया, ठीक है। उसके बाद से लिखा हुआ कि सर एमसीबी इज यूज्ड फॉर रेटेड करंट ऑफ 100 एम्पियर विद एन इंटरप्टिंग करंट ऑफ 1500 एम्पियर, ठीक है। वही हमारा एमसीसीबी जो है, इसका इंटरप्टिंग करंट का जो रेंज होगा वो 10 किलो एम्पियर से लेके 200 किलो एम्पियर तक होगा, यानी कि सर इसका करंट रेटिंग ज़्यादा होगा, यानी कि करंट इंटरप्टिंग का जो है ना कैपेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। किसमें सर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर में, एमसीसीबी के अंदर, ठीक है। बाकी हमारा एमसीबी में कितना है सर, एमसीबी में हमारा जो है वो है कितना सर, 100 एम्पियर और 1500 एम्पियर तक, सॉरी 15000 एम्पियर तक, क्लियर है। तो हमारा इसमें क्या है सर, रेटिंग इसका बढ़ जाता है, किसका, एमसीसीबी का। तो उसके बाद से लिखा हुआ है सर, बोथ एमसीबी एंड एमसीसीबी हैव लॉन्ग लास्टिंग फॉर द ईयर डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर। ये भी सही बात है सर, कि हमारा सर ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा, कौन से कंपनी का ये बना हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं चौथे पॉइंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है सर, एमसीबी हैज करंट रेटिंग लेस देन 100 एम्पियर, वेर एज एमसीसीबी हैज करंट रेटिंग ऑफ हाई एज 2.5 किलो एम्पियर, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं कि सर इसका रेटिंग ज़्यादा होता है। अब बात ये आती है कि सर दोनों को हम लोग यूज किस किस वे में करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एमसीबी आर मोस्टली इंस्टॉल्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, वेर एज एमसीसीबी यूटिलाइज फॉर द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस ये भी हो जाता है कि सर हमारा रेटिंग का तो डिफरेंस है ही, लेकिन हमारा एमसीबी जो है ना डोमेस्टिक यूज में इंस्टॉल्ड होता है, यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्रियल का बात करें, अगर हम लोग इंडस्ट्रियल यूज का बात करें या कमर्शियल यूज का बात करें, तो हमारा एमसीसीबी यूज होगा सर, ठीक है। यानी कि हमारा एमसीसीबी यूज होगा, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सर एमसीसीबी
भी प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करेंट एज वेल एज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, वेयर एज एमसीसी भी प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करेंट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, रेसिड्यूअल करेंट, अंडर वोल्टेज। यानी कि सर हमारा ये पांच टाइप से प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। कौन कौन सा सर? पहला हमारा ओवर करंट से भी प्रोटेक्ट करेगा ये, उसके बाद से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, उसके बाद से हमारा अर्थ फॉल्ट से भी करेगा, सॉरी अर्थ फॉल्ट से भी करेगा, उसके बाद से हमारा रेसिड्यूअल करंट से करेगा और अंडर वोल्टेज से करेगा, ठीक है। ये पांच टाइप से हमारा ये प्रोटेक्शन करेगा। और हमारा नॉर्मली क्या है सर, एमसीबी जो है ना ओवर करंट से सिर्फ क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो ये हमारा एमसीसीबी और एमसीबी का टॉपिक जो है ना फिनिश होता है। एक और ब्रेकर के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीका से, ठीक है। अब हम लोग जो है ना तीसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, इसका तीसरा पार्ट जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। अभी सर हम लोग एमसीबी एमसीसीबी उसके बाद पढ़ रहे हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी के बारे में, ईएलसीबी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बस थोड़ा सा पॉइंट देखना है और हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जिससे हमारा दो तीन नंबर का जो सवाल पूछता है वो कंप्लीट हो जाए, पांच नंबर तक हमारा पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ईएलसीबी इज ओल्ड नेम, नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर। यानी कि अब ईएलसीबी का नाम चेंज हो गया है, ये इसका ओल्ड नेम था। किसका सर? रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर का ओल्ड नेम था ईएलसीबी। यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है ना अभी क्या बन गया है सर, रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। उसी का नाम क्या हो गया, रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर, क्लियर है। यानी कि ईएलसीबी का ही नाम हो गया है आरसीसीबी, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, ठीक है। यानी कि इसका जो सेंसिंग कॉयल होगा वो हमारा किस पैटर्न, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा सर, वोल्टेज के ऊपर वर्क करेगा वो, क्लियर है। जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ोगे ना, जब कंप्लीट रिले सर्किट ब्रेकर पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कैसे हमारा वो डिटेक्ट करता है, कैसे हमारा वो हमारा सेंस करके कैसे हमारा ऑपरेट कराता है, सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ क्या है ना कि हम लोग एक ओवरऑल व्यू ले रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल में नहीं जाया जा रहा, तो आपको फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस आपके लिए ना बहुत काफ़ी है, तो इसको इतना ही ध्यान देना है। नेक्स्ट देखोगे लिखा हुआ है कि ईएलसीबी वर्किंग बेस्ड ऑन द अर्थ लीकेज करंट, ठीक है। इसका वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? अर्थ लीकेज करंट्स के ऊपर ये इसका अर्थिंग सॉरी इसका वर्किंग जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ईएलसीबी इज ए सेफ्टी डिवाइस विच आर यूज इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन विथ हाई अर्थ इम्पिडेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट, हाई अर्थ इम्पिडेंस टू प्रिवेंट द शॉक, ठीक है। ये सर शॉक से आपको बचाएगा, कैसे सर? हाई अर्थ इम्पिडेंस यहाँ पे हमारा मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारा जो है ईएलसीबी का काम क्या है, कि यह आपको जो है शॉक से बचाएगा, यानी कि वो एनिमल हो या फिर कोई इंसान हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ईएलसीबी डिटेक्ट्स द फॉल्ट करंट फ्रॉम द लाइफ टू अर्थ वायर विद इन द इंस्टॉलेशन, ठीक है। यानी कि हमारा ये फॉल्ट करंट जो है ईएलसीबी क्या करेगा सर, फॉल्ट करंट को डिटेक्ट करेगा लाइव वायर से लेकर के अर्थ तक के बीच में, अगर कहीं पर भी उसको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या करेगा, हाई इंपेडेंस जनरेट करेगा जिसके वजह से शॉक हमको नहीं लगेगा। और जनरली इसका यूज किस लिए किया जाता है, ताकि कोई भी इंसान या कोई भी जानवर जिसको जो है ना वो शॉक नहीं लगे, कहीं पर भी कोई वायर इंस्टॉल हो रहा है, कहीं पर कोई सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही पॉइंट्स याद रखना है। अब हमारा जो है ना ये कंप्लीट हो गया सर्किट ब्रेकर, अब हम लोग पढ़ेंगे रिले के बारे में, और रिले पढ़ने के बाद हमारा फिर होगा अर्थिंग के बारे में, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी सर हम लोग पढ़ेंगे रिले के बारे में, यानी कि ये हमारा जो टॉपिक है ये रिले पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटेक्टिव रिले जो टॉपिक है हमारा सर वो है प्रोटेक्टिव रिले, ठीक है। अब ये भी हमारा सर स्विच गियर कि सर प्रोटेक्टिव रिले का काम क्या है, सिंपल मैंने पहले ही बताया था कि सर ये क्या करता है कि हमारा कहीं पे फॉल्ट होता है ना उसकी जानकारी देता है सर्किट ब्रेकर को, जैसे फॉल्ट होता है उसकी जानकारी। देखो इसके पहले भी मैंने सर्किट बनाया था, इस बार भी मैं बना दिया हूँ और डिटेल में मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है। मान लो कहीं पे फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट होने के साथ सर्किट ब्रेकर तो खुद से नहीं ना ओपन हो जाएगा, उसको कोई ना कोई बताएगा ना कि हाँ सर एबनॉर्मल कंडीशन बन रहा है, करंट का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, तो आप ऑपरेट करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा। तो उसका काम करता है कौन, काम करता है सर वो हमारा रिले करता है। रिले क्या करता है, लिखा हुआ है कि द प्रोटेक्टिव रिले इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द फॉल्ट एंड इनिशिएट्स द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे ये लिख दिया है कि सर ये क्या करता है, डिटेक्ट्स द फॉल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
उसके बाद क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा ऑपरेशन किसका, सर्किट ब्रेकर का। किस लिए सर, कि टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो भी आपका डिफेक्टिव एलिमेंट्स है उसको बाहर करो, मतलब सिस्टम से बाहर करो। ये कौन इनिशिएट करता है सर, प्रोटेक्टिव रिले हमारा ये काम करता है। सबसे पहले डिटेक्ट करेगा फॉल्ट को, फॉल्ट को डिटेक्ट कर लिया, फिर क्या करेगा सर, वो सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को इनिशिएट करेगा ताकि सर्किट ब्रेकर अपना जो है ना काम करेगा सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तीन स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि फर्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, देखो ये सीटी का प्राइमरी वाइंडिंग है, सीटी का प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा जिस लाइन को प्रोटेक्ट करना है उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, पहला लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा लाइन लिखा हुआ है कि सर सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ सीटी एंड द रिले ऑपरेटिंग क्वाइल। देखो सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है कि सर ये हमारा रिले ऑपरेटिंग क्वाइल है। ठीक है, वहां पे हमारा देखो सेकेंडरी, हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है सर, सेकेंडरी बाइंडिंग कनेक्टेड है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है थर्ड पार्ट इज द ट्रिपिंग सर्किट विच मे बी आइदर ए सी और डी सी, इट कंजिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर एंड द रिले स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स। देखो हमारा यहाँ पे ये ट्रिपिंग क्वाइल है, ये ट्रिपिंग क्वाइल है, यहाँ पे देखो हम लोग एसी या डीसी कोई भी सोर्स लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमारा रिले का क्या है सर, रिले क्वाइल का जो है ना स्टेशनरी पार्ट भी है। ठीक है, ठीक है, ट्रिपिंग क्वाइल के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो अब ये कैसे वर्क करेगा, जैसे हमारा यहाँ पे मान लो फॉल्ट हुआ, इस लाइन में फॉल्ट हुआ, यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सिटी से करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, उसकी वजह से हमारा जो है ना यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तब क्या करेगा सर, ये हमारा ट्रिप हो जाएगा, ये क्लोज होगा, जैसे क्लोज होगा हमारा सर्किट बन जाएगा, फिर ये क्या करेगा सर, इस यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको हटा लेगा, ये हटाने के बाद सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन हो जाएगा। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इससे क्या होगा कि जो भी डेंजरस जो भी खतरा है उसको वो मतलब टार देगा, मतलब उसको वो बाहर कर देगा, वो खतरा अब नहीं होगा, वो डैमेज हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपना जो है फॉल्ट डिटेक्ट हो गया और सर्किट ब्रेकर अपना ऑपरेशन कर लिया, सर्किट ब्रेकर अपना ऑपरेशन कर लिया तो हमारा जो है कोई भी डिफेक्टिव पार्ट जो है वो सर्किट में नहीं रहेगा, उसको वो साइड कर देगा। ठीक है, या फिर हमारा जो है पावर का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। सिंपली आपको प्रोटेक्टिव रिले में ये बात याद रखना है कि सर ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इसका यूनिट्स है उसको हम लोग पढ़ लेके फिर हम लोग जो है ना इसको भी फिनिश करेंगे।